हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगे, खैर खैर से खुश होगे। और आज मैं आया हूँ लाइट हाउस में। कराची की सबसे बड़ी मार्केट है लाइट हाउस, और यहाँ पे हर किस्म का सामान मिलता है। और ये जैसे देख रहे हो, बच्चियों की फ्रॉकें हर कलर में, हर डिज़ाइन में लगी हुई हैं। और अरे आई जी, सेकंड क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हो गया। और ये इनके क्या क्या प्राइस हैं? ये मुख्तलिफ रेट होते हैं, 50 रुपये से लेके 250, 300, 400 रुपये। अच्छा, जैसी मतलब ठीक होगी वैसी उसका रेट होगा? जी, साफ होगी तो फिर वो उसका बेचा भी थोड़ा अच्छा होगा, फिर वो 400-500 रुपये में अच्छे से बिक जाएगा। मेहरबानी, शुक्रिया यार। आप आज तो गाइज, ये भी हम आए हैं बेल्टों वाली दुकान में। आप देख सकते हो कि कितने ये सारे लेदर के हैं ना। ये भाई, ये इनकी दुकान है, ये सारे लेदर के इनके पास बेल्ट हैं। इनका क्या क्या रेट है? 150 रुपये, 160 रुपये। अच्छा, जैसा मतलब 150 वाला भी क्वालिटी के ऊपर है? हाँ, जैसा उसका 150 रुपये, 160 रुपये, ये सारे माल लगा। अच्छा, इसमें कपड़े के भी है ना? हाँ। कपड़े वाला सस्ता है महंगे? ये भी 150 रुपये। ये भी 150 का? हाँ। और सुनाओ, तुम कैसे? शुक्र है अल्लाह, शुक्र है। हाँ। सही है, सही है। तो इस टाइम जी हम लोग लाइट हाउस में हैं, लाइट हाउस में घूम रहे हैं। देख सकते हो शर्टे मटे ये वो लगे हुए, सारे सेटिंग मैटिंग कर रहे हैं ये लोग। तो लाइट हाउस में घूम रहे हैं। लाइट हाउस एक बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पे सस्ता सामान है और अच्छा सामान है, जेन्युइन सामान है। ये देख सकते हो कि बैगों वाले की दुकान है ये, बैगों वाला भाई खड़ा हुआ है। कौन सा भाई है? दाल कौर भाई है। ये दूसरे बैगों वाले की दुकान है, देख सकते हो। अभी मैं आया हूँ शूजों वाली मार्केट में। ये जैसे आप देख सकते हो, ये नए ब्रांड की जूतियाँ आप देख सकते हो। आजकल ये मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं और बहुत ट्रेंड है इनका। जवान लड़के यही पसंद कर रहे हैं ज़्यादातर पहनना ये। और देख सकते हो यहाँ पे और भी शूज़ हैं अंदर, और आगे भी आपको मैं मार्केट में दिखाऊंगा। और मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और लाइट हाउस की मार्केट दिखाता हूँ, अंडरग्राउंड मार्केट है, नीचे सारी शूज़ों वालों की दुकानें हैं। और यहाँ पे भी बहुत VIP क्वालिटी के शूज़ मिलते हैं, A1 क्वालिटी के शूज़ मिलते हैं। क्योंकि जब भी मैं आता हूँ यहीं से लेके जाता हूँ मैं शूज़ अपने लिए, जूती मूती होगी, शूज़ हो गया, सैंडल्स होगी, और यहीं से लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ अंदर। ब्रांड A1 ब्रांड है यहाँ पे, क्वालिटी ब्रांड है, मगर अच्छा इम्पोर्ट होके आता है, अच्छा माल आता है, अच्छा माल आता है। इधर आप देख सकते हो कि दुकान के अंदर शायद होना, फिर जो घर भी लगा हुआ है, इधर देखो ये जो घर लगा हुआ है सब इम्पोर्ट हुआ है। अच्छा, और उस तरफ जो है ना ऑफिस शूज, कॉमर्स शूज और लोफर लगे हुए हैं। अच्छा। जो हर दाना साफ साफ होता है। इधर ये बाहर से आते हैं जो अंग्रेज का हाथ का बना होता है। अच्छा। वो अच्छा होता है, जेन्युइन माल, जेन्युइन माल है। इधर बंदे लोग पागल हो गए हैं कि इधर हम लोग इसका रेट बताते हैं, तीन लोग बताते हैं कि हुआ खान साहब इतना कपड़ा बनता है। नया जो आता है वो सारा लोकल बनता है, सारा। पहले तो चाइना का आता था, अभी चाइना जब से कोरोना हो गया चाइना तब से बंद हो गया। अब अपर और सोल बाहर से आते हैं, मगर फिटिंग चाइना में, लाहौर में होती है। इस वजह से वो माल लोकल होते हैं, सारा लंदे का नाम बदनाम कर दिया। बंदे भी उसके साथ उसका दिमाग उल्टा चला गया कि पुराना नहीं लेवे, नया लेवे, नया। एक हफ्ता पहले उसका जो है ना ऐसा हो जाता है कि तुमने 7 साल पहना, कितनी इम्पोर्ट वाला शूज है। एक कोई VIP जेन्युइन शूज उठा के दिखा, कोई क्वालिटी वाला लेदर वाला दिखा या कोई और दिखा। ये देखो, ये जोगर है नाइकी का, किश्ती वाला बोलते हैं इसको, जोगर। हाँ, जोगर। ये इसका रेट 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए, 25,000 रुपए है। एक ये स्केचर है, अच्छा, जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। अच्छा, मसाज फिट। हाँ, ये 22,000 रुपए का। ओहो, ये देख सकते हो भाई, ये 22,000 रुपए का शूज आप लोग देख सकते हो, कितने का? 22,000 रुपए का, अंदर से दिखा इसको।
अच्छा इसका क्या है, मतलब ये पैरों को बहुत सुकून देता है ये मसाज भी, चाहिए दिमाग को भी साथ साथ में आराम देता है। अच्छा हाँ, अभी कंफर्टेबल भी होता है, इसको स्केचर बोलते हैं, मगर इसके अंदर ऐसा डिजाइन नहीं आया, इस वजह से ये ओरिजिनल शूज कहलाते हैं। तकरीबन इसका नया आपको 78,000-80,000 रुपए का, 78,000-80,000 रुपए का। हाँ। और ये कितने का तुम दे रहे हो? ये हम आपको 22,000 रुपए का। सही। तो गाइज अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।